नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। दिल्ली हिंसा पर संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, मांगा गृह मंत्री का इस्तीफा। दिल्ली हिंसा पर हंगामे के बाद संसद के दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित। दिल्ली हिंसा में जान गंवाने वाले आईबी के जवान अंकित शर्मा को 1 करोड़ रुपए देगी आप सरकार। उमर अब्दुल्ला की हिरासत के खिलाफ बहन सारा की याचिका पर 5 मार्च को होगी सुनवाई। शांति समझौते पर ईरान बोला, अफगानिस्तान हो या सीरिया, सभी जगह समस्या की जड़ अमेरिका। स्थिर सरकार के लिए इसराइल में मतदान आज, 12 महीने के अंतराल में तीसरी बार चुनाव। जयपुर में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, मलबे में दबकर एक महिला और बच्चे की मौत। 21 मार्च तक पैन कार्ड से लिंक करवा ले आधार कार्ड, वरना देना होगा 10,000 रुपए तक का जुर्माना। क्रिकेट महिला वर्ल्ड कप 2020 में न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का ट्रेलर हुआ रिलीज। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।